ऐसे ही कि हमें प्यार से शुरू करना है, जीरो से, अब वन से शुरू करिए दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा अभी तक। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए, तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते, कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करते। नहीं, एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ, ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई? जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने तो अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला, मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया वो नहीं माना, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए वो नहीं पचा पा रहे, अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे वो नहीं पच रहा इनको, तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि एक से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से एक से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं वो कहेंगे फिर से एक से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे वो कहेंगे फिर से एक से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब एक्स करो। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है, अब एमसीडी की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। सर, आई नहीं क्या एक ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहां जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप, और इसके पीछे के मनसा क्या है, मन में क्या है तुम्हारे, क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है। कल के कौ करे हार गए, डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए, एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने रहा? आप लोग बताइए किस बात पे भरोसा कर लिया जाए, किसी एक बात पे बताइए जिस पे भरोसा कर ले। और ये भारतीय जनता पार्टी है
जो एक हफ्ते पहले कह रही थी आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षद खरीद लिए हैं, ये भी आप याद रखिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वो या तो कहे कि हमने उनके खरीदे, अब वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे खरीदे। भाई एक चीज तो डिसाइड करिए, रोज रोज आप नए बहाने बनाते हैं चुनाव ना करवाने के। क्यों? क्योंकि जो आपकी भारतीय, जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की चुनाव में हार हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हमारा उनसे एक ही आग्रह है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, 5 साल विपक्ष में बैठिए। ट्वीट किया था। अच्छा देखिए, एक और बड़ी मजेदार बात बता दें, कल हमारे 150 वोट थे, 150 वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में इतनी उत्साहित रहती है, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि देखिए हमने 4 यहां खरीदे, 3 वहां खरीदे। मतलब आप सोचिए, वो पार्टी खुश होती है बताने में पूरे देश और दुनिया को कि देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे बेईमान पार्टी है, कि देखो इनको 150 वोट तो मिल गया, ठीक बात है, लेकिन हमने 4 यहां खरीद लिए, 3 वहां खरीद लिए। बताओ आप, ऐसी पार्टी, मतलब दुर्भाग्य है कि ये लोग इस देश में अपने अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं, और क्या कह सकता हूं मैं। शैली जी, आपने जो कहा कि रेखा गुप्ता और अमिताभ पाल की कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो सकती है? अगली बैठक में हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन दोनों ने सदन में किया वो सदन की मर्यादा के खिलाफ था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने बार बार कोशिश करी कि चुनाव टल जाए, और बार बार इसी वजह से हमें सदन को स्थगित करना पड़ा, और उन्होंने एक्चुअली में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम इस पर विचार करेंगे अगली बैठक पर। 16 घंटे में हंगामा नहीं रहा, तो क्या इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चले? जी देखिए, हम तो हर बार की तरह इस बार भी फिर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। जैसे डिप्टी मेयर मिला है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी शांतिपूर्वक हो, ताकि दिल्ली की जनता का जो जो काम नगर निगम का रुका हुआ है, सारे उन कामों को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ऑफिशियल तरीके से हम उन पर कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।